हमारी मैमथ सीरीज़ है थ्री व्हीलर्स की, और मैमथ जो कि नाम सिग्निफाई करता है लार्ज एंड बिग, सो हमारे जो थ्री व्हीलर्स हैं बहुत डिफरेंट हैं। आप कोई भी कन्वेंशनल थ्री व्हीलर देखेंगे सामने, या तुलका खड़ा है और भी कोई देखेंगे, इनका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन और स्टाइल है। तो हमने हट के अपने थ्री व्हीलर्स को जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसके लिहाज से इसको डिज़ाइन किया। और आगे दो टायर ये चक्का रखने का हमारे कंपनी का पेटेंट है। एक्चुअली हमारे कंपनी के 9 पेटेंट हैं, जो कि इस जितनी गाड़ियां डिस्प्ले की है इसके अंतर्गत हमने अपने बनाए हैं। दो टायर टेक्निकली ये एक ट्विन व्हील कहलाता है, और दो टायर से गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, टर्न के ऊपर गाड़ी पलटेगी नहीं आसानी से, और इसकी बटर ब्रेकिंग है, बटर लोड कैरिंग कैपेसिटी है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 230 क्यूबिक फीट है, और पेलोड की कैपेसिटी क्लोज टू 900 किलो है। सो वेलकम टू ऑटो एक्सपो 2023, और आज मैं फिर आपको लेकर आ गया हूँ एक नए पेविलियन में, और यहाँ पर आपको काफ़ी अलग तरह की डिफरेंट टाइप के ये व्हीकल्स मिलेंगे, और ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। आज इसी के बारे में देखने वाले हैं, कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर। हमारी कंपनी का नाम है हेक्सॉल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और हेक्सॉल कंपनी जैसे हेक्स नाम है, ये 6 वैल्यूज़ के लिए स्टैंड करती है, और उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। इसमें टॉप मोस्ट चीज़ है इनोवेशन, तो हमारी कंपनी और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स सब इनोवेशन से लीड लेंगे, और हेक्सॉल ईवी फॉर ऑल ये हमारी टैगलाइन है। ईवी फॉर ऑल का मतलब है कि हम बहुत तरह की बहुत वैरायटीज़ की गाड़ियाँ आने वाले समय में बनाएंगे, और ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन को कवर करना चाहेंगे। ईवी फॉर ऑल का एक और मतलब है कि हमारे जो प्राइस पॉइंट होंगे बहुत कंपेटिटिव होंगे, ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक अच्छे तरीके से इस देश में आगे को बढ़ सके। जैसे सर, अगर कंपनी के बारे में बात करिए, ऑफिसेज कहाँ हैं, कहाँ से आपका प्रोडक्शन होती है? हमारी अभी जो करंट सेटअप है वो नोएडा सेक्टर 67 के अंदर है, वहाँ से हमने ये सारी प्रोटोटाइपिंग पिछले 7 महीने के अंदर ये काम किया। ये कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, मार्केट में जो व्हीकल्स अवेलेबल है कुछ उससे कुछ अलग है, एक एक करके समझा सकते हैं सर इस व्हीकल के बारे में? हाँ, जैसे मैंने बोला कि हमारी कंपनी इनोवेशन ड्रिवन है, और जो इनोवेशन हमने अपने प्रोडक्ट्स में लिया, अगर आप हमारी सिटी बस को देखें तो जो बस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कस्टमर की, उसको एक नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, और उसको एक लो एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, ताकि ज़्यादा बड़ी बैटरी या ज़्यादा कीमत ना आने के बाद ये उतनी नंबर ऑफ़ सीट्स दे सके, और इसमें उसको कंफर्ट चाहिए, तो एयर कंडीशनर हमने बस में दिया है, और गाड़ी का जो शेप है ये बहुत यूनिक है, तो ये और ये बिल्कुल एरोडायनामिक्स का, बिल्कुल एरोडायनामिक है, ये आगे और पीछे दोनों तरफ एरोडायनामिक है। तो इसका जो विंड ड्रैग है, जो रेजिस्टेंस है विंड का, वो आधा है, और कोई भी गाड़ी उठाएंगे उससे आधा है। इसका मतलब है कि ये गाड़ी की जो एनर्जी कंजम्पशन है 25% कम है। और जैसे यहाँ पर आपने ये शीशे भी लगाए हैं कुछ अलग कर्व टाइप में, हाँ, तो इससे जो विजिबिलिटी ऑल राउंड इधर फ्रंट की मिलती है इस वाले शीशे से, और इनसे रियर व्यू की विजिबिलिटी मिलती है, तो जो ड्राइवर को बैठ के सारा पता रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंदर की विथ क्या होती है, कितने सीटर ये है? ये इसमें 41 सीटर बस हमने बनाई है, ड्राइवर प्लस 41, और इस गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ है 2300 मिलीमीटर है। तो ये अभी मार्केट में आने वाले हैं, अभी लॉन्च होने वाले हैं अभी? हाँ, ये गाड़ियाँ अभी बस जो है पर्टिकुलरली ये हम साल के एंड तक लॉन्च कर पाएंगे, और हमारे जो थ्री व्हीलर्स हैं ये हम अगस्त में लॉन्च कर लेंगे। हमारी मैमथ सीरीज़ है थ्री व्हीलर्स की, और मैमथ जो कि नाम सिग्निफाई करता है लार्ज एंड बिग, सो हमारे जो थ्री व्हीलर्स हैं बहुत डिफरेंट है। आप कोई भी कन्वेंशनल थ्री व्हीलर देखेंगे सामने, या तुलका खड़ा है और भी कोई देखेंगे, इनका एक पर्टिकुलर डिज़ाइन और स्टाइल है। तो हमने हट के अपने थ्री व्हीलर्स को जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसके लिहाज से इसको डिज़ाइन किया। और आगे दो टायर ये चक्का रखने का हमारे कंपनी का पेटेंट है। एक्चुअली हमारे कंपनी के 9 पेटेंट हैं, जो कि इस जितनी गाड़ियां डिस्प्ले की है इसके अंतर्गत हमने अपने बनाए हैं। दो टायर टेक्निकली ये एक ट्विन व्हील कहलाता है, और दो टायर से गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, टर्न के ऊपर गाड़ी पलटेगी नहीं आसानी से, और इसकी बटर ब्रेकिंग है, बटर लोड कैरिंग कैपेसिटी है। और ये क्या कैपेसिटी क्या है सर इस? इसकी जो कैपेसिटी है वो 230 क्यूबिक फीट है, और पेलोड की कैपेसिटी क्लोज टू 900 किलो है, बट एक्चुअल इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी और भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे इलेक्ट्रिक वाले हैं? सारे इलेक्ट्रिक, हमारी कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। अच्छा, तो उसमें माइलेज क्या देगी सर? वो डिपेंड करेगा, हमारी स्टैंडर्ड बैटरी अगर इसमें लेंगे तो करीब 100 किलोमीटर ये चलेगी एक चार्ज में,
और इस बैटरी को अगर बड़ा करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो 160 किलोमीटर तक चलेगी। अच्छा, वो भी बैटरी पे डिपेंड करेगा, अगर आप बैटरी का साइज बदलना पड़ेगा। अच्छा। जी वो, और यहाँ पर एक देखिए सर, इसके बारे में, ये हमारा पैसेंजर वर्जन है मेमथ हॉप, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है 11 प्लस ड्राइवर। अच्छा। पीछे 9 लोग बैठ सकते हैं इस कंपार्टमेंट में, कॉन्फ्रेंस टेबल सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। अच्छा। और यहाँ 2 बैठ सकते हैं प्लस ड्राइवर, 9 प्लस 2 प्लस ड्राइवर 11। और ये हमारी मेमथ की कार्गो सीरीज़ में ये सबसे बड़ा है, मेमथ एल। अच्छा। जो कि लार्ज के लिए है, मेमथ एम मीडियम साइज़ है। तो ये 230 क्यूबिक फीट है, ये 162 क्यूबिक फीट है, इससे भी एक छोटा और है जो 135 क्यूबिक फीट है। तो सर, जैसे ये तो रही कि अभी अपकमिंग है, सारे अपकमिंग है, तो किस तरह से आप बिजनेस में आने वाले हैं? हम लो वॉल्यूम प्रोडक्शन में अगस्त के अंदर आना शुरू कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं ऑटो एक्सपो में। अच्छा। और बहुत ऑर्डर्स हमको मिलने वाले हैं, बहुत सारी मीटिंग्स एक्सपेक्टेड हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो उनको हम कैटर करना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो कैसे, अगर किन्हीं को इस तरह की बिजनेस में आने हैं और इस तरह के प्रोडक्ट से इंटरेस्टेड है, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? जो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है axolmotors.com। अच्छा। उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट कई जगह हमने सर्कुलेट भी कर दिए हैं। अच्छा। जी चलिए, थैंक यू सर, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।